हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सब शॉपिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारा कैंपिंग का प्लान बन रहा है, तो उसके लिए हमें टेंट वगैरह लेने हैं, तो वही सब हम देखने जा रहे हैं आज। अगर पसंद आया तो ले भी लेंगे। तो मेरे साथ जा रहे हैं दीपक और आतिश भैया जा रहे हैं। ये इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनके नियरली 2K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गांधीनगर, तो वहाँ से देखेंगे टेंट वगैरह। वाटर प्रूफ है भैया? वाटर प्रूफ है ना? वाटर प्रूफ, इसमें दो लेयर होती है, खोल के दिखाओगे पता चल जाएगा ना। लगाते कैसे हैं? मैनुअल दिया हुआ है ऊपर का कवर आ गया, ये ऊपर का आ गया, ये ऊपर का, ये देख लो वाटर प्रूफ, और ये आ गया नीचे का, अभी ये नीचे का ये नीचे बिछाने के लिए। नीचे नहीं, टेंट है। देखो आप जगह यहाँ से नाप सकते हो, तीन बंदे आ जाएंगे आराम से, जहाँ ठंड होगी चिपक जाएंगे। ठंडी आ रही है, पाइप डालनी यहाँ से, एक पाइप यहाँ से, एक पाइप वहाँ से, वो तो हम देख लेंगे। भैया क्या ऐसे कौन किस टाइप की शेप क्या होगी इसकी टेंट की? ये वाली। अच्छा, ये वाली शेप होगी। पूरा बताया उसमें फर्स्ट स्टेप गाइस, स्टेप बाय स्टेप है ना। बोलो ठीक है फिर, डर ना फिर। बढ़िया बढ़िया, पकड़ के देखो आगे। ओ कट हो जाएगा ना, माइक देखा छोटा सा, ये आग जलाने के लिए। देखा क्या क्या करने के लिए? आग जलाने के लिए। आग कैसे लगी वो बताएंगे भैया, कैसे जलाते हैं ये? आग कैसे जलेगी? अच्छा सर, ऐसे लाइट टू स्टेप लाइट जैसे हम कैसे यूज करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर आप ये ट्रैकिंग में भी काम आती चीज है ना। अच्छा भैया, ट्रैक में बाकी सब छोड़ो, एक चीज और बताओ मेरे को, आपके वो स्टोव होता है ना छोटी, वो भी है, वो क्या प्राइस है इसका? ये 650 का पड़ता है। किस काम के लिए ये ब्रेसलेट होता है? सर्वाइव के लिए। ये रस्सी आपका, ये रस्सी बहुत बड़ी हो जाती है जब आप कहीं फंस जाते हो, बड़ी, और ये रस्सी ही आपका आपका वजन पूरा झेल सकती है, इतनी पावर इस रस्सी। एक सिलेंडर कितनी देर चलता है? एक सिलेंडर मतलब डेढ़ घंटे से, सॉरी ढाई घंटे से लेके तीन घंटे तक रेगुलरली चलता है। इसमें मैगी, उससे मैगी आपकी एग बॉयल हो जाएंगे, चाय बन जाएगी। जैसे लॉन्ग आपने रूट पे जाना है, ट्रैवलिंग करना बाई रोड, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि रास्ते में आपके लिए मैगी बनाना होता है इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ये चीज़ है। और आप अगर कोई हाइकिंग ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर कहीं आपने प्लान किया है, तो इस चीज़ को अपने साथ लेके जाएं ताकि आप सर्वाइव कर सकें। भी चलता कैसे ये गैस काम पे? गैस इसकी यहाँ लगती है, सिलेंडर। अच्छा, इसमें सिलेंडर लगेगा, यहाँ लगेगा ऐसे ऑन करते हैं। सिलेंडर कौन सा, जो बड़ा सा? नहीं नहीं, ये छोटा सिलेंडर। अच्छा, ये वाला गैस है, ये वाला सिलेंडर ये यहाँ लगेगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ऐसे लगेगा। तो ये कितने दिन निकालते हैं? थ्री आवर्स कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली तो ठीक है यार, बढ़िया, ये बेस्ट है।
तो फिर बंदे कितने दिन का ट्रिप होता फिर? जला के भी दिखा दो, एक टाइम को दिखा दो, हां जला के। चलो टाइम को दिखा देंगे भैया। हां गूगल में देखना, वो नहीं हो सेंटर में थोड़ा सही पोजीशन सही है। तो गाइस हमने अभी टेंट ले लिया है डी कैथलोन का, ये पड़ा है हमें 3,500 का और इसमें 3 से 4 बंदे आराम से आ सकते हैं। तो अभी जब भी हम कोई भी कैंपिंग के लिए जाएंगे तो हम ये टेंट यूज़ करेंगे। और ये देखो इसकी क्या एयर टेंट इसके हाथ में, हम 3 बंदे और उसमें 4 बंदे वाले हैं, मैं से सोएंगे रिलैक्स होंगे। हम कहीं भी जाएंगे कैंपिंग के लिए, हम 3 ही जाएंगे, हम 3 के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो एक और भी आ सकता है पर हम मजे से सोएंगे, पर हम किसी और को लेके जाएंगे, खुले हो सोएंगे आपके लिए बना रहा हूं। और ये पूरा वाटरप्रूफ है। तो गाइस हमने टेंट ले लिया है तो अब हम फिर घर जा रहे हैं। तो अब घर जाना है कहीं और जाना है? अभी हम लोग सीधा जाएंगे घर को ही। दीपक याद है ये जगह? अरे याद है, एक्सीडेंट हो गया हमें। इधर ही गिरे थे तुम लोग? हां, टैक्सी पकड़ स्कूटी के टाइम पे हमारी स्कूटी एक्सीडेंट हुआ था। लास्ट टाइम देखा था आपने दीपक जहां पे गिरा था और इसने स्कूटी तोड़ दी थी। कुछ कहना चाहोगे दीपक? अरे इसी बंदे ने 2 बार स्कूटी तोड़ी है, एक नहीं 2 बार तोड़ी है। गाइस हम अब घर आ चुके हैं तो अब हम करेंगे टेंट की अनबॉक्सिंग। तो ये रहा टेंट इसके हाथ में, तो फिर अब हम पूरा इसको खोल के पूरा लगाएंगे, फिर देखेंगे कि ये कितनी स्पेस है इसके अंदर और ये कितना वाटरप्रूफ है, सब चेक करेंगे। अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखो कंपनी का नाम क्या है, डी कैथलोन। टेंट की शेप देखो, देखते हैं ऐसे बनता नहीं बनता या नहीं बनता। चल इसकी लोड्स मार निकाल दे, नहीं 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 इसको बाहर निकाल दे, इसको खोल इसको नीचे रखो, इसको लेते हैं। So guys, finally हमारा टेंट रेडी है। तो लगभग हमें 15-20 मिनट लगे इसको करने में, हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो हमें पता नहीं था, तो हम वही कर रहे थे। तो अभी हमने कर दिया, पूरा खड़ा कर दिया पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा रेडी है। तो ये तो हो गया अब, और अभी इसका एक ये वाटर प्रूफ शीट भी है, इसको भी हम लगाएंगे थोड़ी देर में। तो अंदर देखते हैं ये स्पेस कितनी है इसमें, बहुत ज़्यादा। ये दो तो ऑलरेडी अंदर हैं आराम से, चलो तीन पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली इसके अंदर रह सकते हैं, और अगर कभी कभार 4 भी हो सकते हैं, 4 ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा बट हो जाएगा। तो गाइस अब हमने इस पे वाटरप्रूफ शीट भी डाल दी है, ये हमारा पहले नॉर्मल टेंट था, इसकी ये वाली लेयर थी, अब इसके ऊपर ये वाटरप्रूफ शीट डाली है। तो अब वाटरप्रूफ शीट डालने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा है देखने में, तो इसमें 3-4 लोग तो आराम से आ जाएंगे। तो अंदर से भी दिखाता हूँ तुमको अब कितनी स्पेस है इसके अंदर, ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यार, 3 लोग तो बहुत आराम से आते हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा है, इसकी क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस
हम दोनों काफ़ी कंफर्टेबली टेंट के अंदर बैठे हैं पिछले काफ़ी लगभग 5 मिनट से। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस यार, लाइक बेस्ट टेंट है यार, इसकी क्वालिटी यार, लाइफ का ना जी बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो वो दीपक आया, ओहो पिल्लो भी आ गया आपके लिए, हाँ पिल्लो कोल्ड ड्रिंक भी यार, ओहो कोल्ड ड्रिंक, ऐसे धूप में बैठे हो यार। गाइस हमने अब अपना टेंट पैक कर दिया फिर से, ये रहा पैक होने के बाद इतना छोटा सा हो जाता है बस, बड़ा हो गया, पहले छोटा था, हाँ पहले तो बहुत ही छोटा था, तो हमने सही से पैकिंग नहीं की तो इसलिए थोड़ा सा ये ऐसा है।